एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल GS Lamp Education में। जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि अपने जो लेक्चर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है यहाँ पे अभी डिलीवर हो रहा है, जिसमें टोटल अभी तक हमने 11 लेक्चर CSET के रिगार्डिंग हमने अपडेट किया है। जिस 11 लेक्चर में हमने क्या किया, पहला तो हमें जो इम्पोर्टेंट जो जो चीज़ था वो मैंने वहाँ पे अभी आपको अप टू डेट करवाया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे जो 2023 या 2022 या उससे पहले जो पूछे गए थे किसमें, CSET में। क्यों देखो, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा क्वेश्चन क्या है तो आप कैसे आगे इस चीज़ को देख पाओ। दूसरा हमने क्या देखा, प्रैक्टिस पेपर के बाद हमने क्या किया, प्रैक्टिस पेपर के क्वेश्चंस वहाँ पे हम लोगों ने लगाया। तीसरा क्या किया, उसी के रिगार्डिंग हमने क्या कर दिया, रिवीजन का पूरा टॉपिक का हम लोगों ने क्या किया, रिवीजन कंटिन्यू स्टार्ट किया। उसी के रिगार्डिंग अपना ये जो 12वां लेक्चर है जिसमें हम लोग आज क्या टाइम एंड वर्क के रिगार्डिंग हम लोग एक एक चीज टॉपिक के साथ साथ एक एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले जो पेपर्स हैं या जो हमारे जो मतलब अवेयरनेस के रिगार्डिंग जो भी चीज़ है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग आज थोड़ा सा टाइम एंड वर्क के रिगार्डिंग थोड़ा सा हम लोग बेसिक पहले क्लियर करेंगे, आफ्टर डैट हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन भी साथ साथ देखते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं टाइम एंड हम लोग का जो सबसे पहला आपको पता होना चाहिए टाइम एंड वर्क, क्योंकि देखो टाइम एंड वर्क में मैं इसलिए आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ क्योंकि हमारे क्या डे टू डे लाइफ का पार्ट है। आप ये चीज़ देखोगे हमारे डेली लाइफ का कुछ ना कुछ पार्ट है, जैसे कि कोई इंसान क्या काम करता है या कोई इंसान यहाँ पे क्या करता है कि वो कैसे किसी भी काम को पार्टिकुलरली कंप्लीट करता है। तो हमें क्या ना एक डे टू डे लाइफ को यहाँ पे कोऑर्डिनेट करना है, उसी के रिगार्डिंग इन लोगों ने क्या कर दिया, टाइम एंड वर्क के रिगार्डिंग क्या कर दिया, क्वेश्चन यहाँ पे बनाने स्टार्ट किया। देखो टाइम एंड वर्क में हम लोग मोस्ट ऑफ द चीज़ यही देखेंगे, जैसे टाइम एंड वर्क में हम लोग मोस्टली यही देखेंगे कि हम लोग कोई भी काम को या कोई भी चीज़ को कैसे टैकल करने के या कितना टाइम लगता है या कोई भी काम को किस प्रोसीजर से करना है उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग डिलीवर करेंगे या उसके रिगार्डिंग हम लोग पूरा एक कंसेप्ट यहाँ पे पहले देखेंगे। इसके रिगार्डिंग हम लोग सबसे पहला क्या है ना, पहला हमारा क्या रहेगा, कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, कंसेप्ट के रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे पहली चीज़। क्वेश्चंस के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस पेपर के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस डिलीवर करेंगे जो आपको या मतलब आने वाले लेक्चर में आपको या तो उसके आंसर मिल जाएंगे या उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, घर से करके लाना है। और तीसरा चीज़ आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ था क्या, चीज़ क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको आपके टॉपिक के रिगार्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि ये जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या कोई भी चीज़ ऐसा है वो यहाँ पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, बताएं जैसे आपको यहाँ पे समझाया जाएगा और उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस भी करवाया जाएगा। जैसे देखो हम लोग अभी क्या है कंसेप्ट के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो कंसेप्ट हमारे पास क्या दिखा, अगर मान लो कोई भी इंसान है, इसलिए मैंने कहा वहाँ पे तो मैं समझा दूंगा, लेकिन देखो इफ अगर कोई भी इंसान है, कोई मैं पार्टिकुलरली किसी इंसान को ले लेता हूं, तो वो अगर मान लो कोई काम को एंड में कंप्लीट करता है या कोई पाइप को फिल करता है या रिजर्वायर को फिल करता है तो क्या करता है, एंड में कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि उसका देन उसका जो वर्क होगा इक्वल जो उसका जो वर्क जो अमाउंट ऑफ जो वर्क होगा वो बोला जा रहा है कि ऑन दोज डे उस डे के रिगार्डिंग क्या होगा इक्वल होगा। जैसे मान लो कि जितना अगर मान लो हम बात करते हैं तो यहाँ पे यही चीज़ बोला जा रहा है कि जितना नंबर ऑफ डे तो वो कंप्लीट करेगा वर्क को वो क्या होगा, वन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वर्क डन, एक दिन में कितना वो कंप्लीट करता है। ठीक है, नंबर ऑफ डे या हो गया या वन अपॉन में एन, हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि वन अपॉन में एन अगर हम लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ डे में कितने दिन में वो क्या कर दिया, उस काम को कंप्लीट किया। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो कोई भी चीज़ है, अगर मैं एक सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है सॉरी मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, ये एग्जाम्पल हमारे पास क्या दिया, बोला जा रहा है कि अगर कोई भी इंसान है, ठीक है लेट अस सपोज ए मैन, मैन जो क्या करता है वो अपने काम को कंप्लीट करता है 10 डे में, वो जब 10 डे में कंप्लीट करता है तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर वो मैन तो देन उसका जो वर्क डन होगा एक दिन में कितना होगा, आप ये बता सकते हो। तो क्या होगा अगर वो वर्क डन एक दिन की हम बात करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे 1/10। इसका ये मतलब है, इसके इफेक्टिवली ये कहने का मतलब है कि अगर मान लो इफिशियंसी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के, या नंबर ऑफ डे हो या नंबर ऑफ मिनट हो, कोई भी चीज़ हो उसके ये क्या करेगा अपोजिट मतलब ये कह सकते हो इनवर्स रहेगा। सीधी सी बात है, ये एक होता है डायरेक्टली, एक होता है क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे यही बोला जो उसका एफिशिएंसी होगा एक दिन में काम करने का वो क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर टाइम। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है वर्क और टाइम के रिगार्डिंग में, जो अभी आगे हम लोग और आगे की ओर देखेंगे उसमें और हम लोग क्या करें क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि देखिए अगर मान लो कोई भी इंसान है, अगर मान लो कोई एक मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ कि लेटेस्ट सपोज अगर एक इंसान है, इवन मान लो कितने भी पर्सन है या कोई भी एक इंसान है, मैं किसी को भी लेके चलता हूँ, या एक्स एक पर्सन है, इवन अगर एक्स पर्सन क्या करता है वो कोई भी काम को डी डे में कंप्लीट करता है, पता नहीं है,
आपको मैंने अभी बताया कि अगर वो डी डे में कंप्लीट करता था, देन अगर वो एक्स पर्सन था तो कितने दिन में कंप्लीट किया, डी डे में। अगर इसी में आपसे पूछ दिया जाए कि अच्छा मान लो एक पर्सन होगा तो कितने दिन में काम करेगा, आपसे ऐसा भी तो कंसेप्ट पूछा जाता है। अगर सपोज ऐसा कभी भी कंसेप्ट आए, लेट अस सपोज दैट कि अगर एन नंबर ऑफ पर्सन था या एक्स नंबर ऑफ पर्सन है, वो क्या किया इसी काम को डी डे में कंप्लीट किया, तो यहाँ पे यही चीज बताने की बात की जा रही है कि बोलने की बात है। अगर मान लो एक्स पर्सन था, उसने क्या किया डी डे में कंप्लीट किया, तो पूछा जाए एक पर्सन क्या होगा, तो ऑलवेज क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हुआ डी इंटू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, या जो भी जितने भी पर्सन उसके रिगार्डिंग टाइम मतलब डे इंटू या जो भी जितने भी पर्सन वो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। आपको एक चीज यहाँ पे ऑलवेज याद रखना, क्या याद रखना कि जब कभी भी आप टाइम के रिगार्डिंग, मैं आपको एक चीज बताऊँ, या मान लो टाइम वन मिनट एंड वर्क के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम, तो उसमें ये बोला जा रहा है कि हमेशा आपको याद रखना क्या कि ये तीन बेसिक पे चलता है, ठीक है, तीन आइटम के बेसिक पे। एक क्या चलता है, नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ पर्सन या कोई भी चीज़ है, कोई भी यहाँ पे हम ले लेते हैं नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ पीपल, कितने टाइम वो काम करता है, ठीक है, वो इस बेसिक कंसेप्ट पे चलता है पहली चीज। दूसरा आपसे इसमें डे या टाइम के बारे में पूछा जाएगा, मतलब या तो मान लो टाइम के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। और तीसरा यहाँ पे पूछा जाएगा टोटल वर्क डन, है ना, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन वो कंप्लीट हुआ, या कितना जो भी चीज़ है ये कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन की यहाँ पे बात की जा रही है। तो आपको ये चीज़ याद है, अगर ऐसा कोई भी रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो या इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम आपको लगे, तो मैं आपको एक छोटा सा बताया, तो अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक चीज़ पूछा जाए कि नंबर ऑफ द पर्सन वर्किंग, ठीक है, अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो अगर मान लो नंबर ऑफ पर्सन जो वर्किंग होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द वर्क डन, अभी मैंने बताया था नंबर। जैसे मान लो कि अगर मान लो, मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर मान लो जैसे जैसे इंसान बढ़ेगा, पीपल या पर्सन जो भी हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। इसका मतलब क्या होगा पहले ये समझो, जैसे मान लो कि जैसे नंबर ऑफ द पर्सन क्या होगा, जॉब पे ज्यादा होंगे तो वर्क डन हमारे पास क्या होगा, बहुत और ज्यादा जल्दी कंप्लीट होगा, मतलब वो ज्यादा कंप्लीट कर सकता है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर 10 पर्सन है किसी काम को कंप्लीट करने में, मान लो कि 20 दिन लेता है, या किसी भी पार्ट को कंप्लीट किया इतने दिनों में, या इतना काम उसने 10 पर्सन लोगों ने मिलकर कर दिया, अगर हमने क्या किया 20% बढ़ दिया, तो क्या होगा काम की संख्या भी तो बढ़ जाएगी ना। पहले ये समझना काम की वर्क जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन अब दूसरा केस में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा नंबर ऑफ द पीपल जैसे ही अगर आएगा, नंबर ऑफ द पीपल बढ़ेगा, तो क्या होगा टाइम कंज्यूमिंग क्या होगा वो कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो जैसे हम वर्क डन बढ़ा, जैसे मान लो कि मैंने क्या बोला टाइम पर्सन बढ़ा, तो टाइम जो कंजप्शन होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे कम हो जाएगा। आप समझ के देखना, हमको ये बोला गया था अगर किसी ने हमको एक काम दिया, हमको ये बोला कि आपको ये काम 5 दिन में करना है, ठीक है, आपको ये काम कंप्लीट करने में 5 दिन लगा, या मैंने कोई पीपीटी कंप्लीट किया उसको मुझे 3 दिन लगा, अगर मैंने यही पीपीटी 2 लोगों के हेल्प से किया होता तो कितने दिन में होता, 1 दिन में कंप्लीट हो जाता। मतलब क्या हुआ, पर्सन बढ़ा, टाइम का कंजप्शन क्या हो गया, कम हो गया, मेरे पास समझ लो। तो यहाँ पे यही चीज़ है। दूसरी चीज़ अगर हमने यहाँ पे तीसरा पार्ट इसमें ये बोला कि अगर मान लो कि टाइम जितना आपने स्पेंड किया, स्पेंड ऑफ द वर्क जो भी होगा, जो टाइम अगर मान लो जितना भी टाइम आपने स्पेंड किया काम पे, टाइम स्पेंडिंग या टाइम स्पेंड जो भी वर्क पे है एट वर्क, तो वो क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, वर्क डन के। समझना, अगर हमको पता है कि हमको कोई काम करने में 6 घंटे लग रहे हैं, लेकिन मैंने क्या किया 8 घंटे दिए, तो हमको तो ये पता चल गया ना कि मेरा जो काम करने की एबिलिटी अगर 8 घंटे, तो मेरा वो काम क्या होगा जल्द से जल्द वो क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा। अपना ये तीन कंसेप्ट था वो आपको क्लियर रखना, ठीक है, ये तीन कंसेप्ट अगर आपका टाइम एंड वर्क में कंप्लीट है, क्लियर है आपको, तो आपको क्या ना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसी के रिगार्डिंग हम लोग एक आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 3 पर्सन है एक्स वाई एंड जेड, बोला दे कैन फिनिश कोई भी काम को उसने फिनिश किया, तो एक्स ने कितने दिन में किया, एक्स ने उसको कंप्लीट किया 12 डेज, वाई ने इसको कंप्लीट किया 15 डेज, समझना, और जेड ने इसको क्या कंप्लीट किया, जेड ने इसको 18 डेज में कंप्लीट किया। अब बोला क्या जा रहा है, जब वो तीनों एक साथ आ जाएंगे, ठीक है, अगर वो लेट्स टुगेदर वन मिनट, जैसे देखो मैंने भी बताया एक्स वाई जेड तीनों का यहाँ पे दिया हुआ डेट, डे कितने कितने दिनों में काम किया, और क्वेश्चन सिंपल सा आपसे बोला गया क्या कि तीनों जब एक साथ हो गए तो कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ। मैंने पीछे आपको बताया था
जब एक साथ हो जाए या कोई भी ऐसा चीज़ जब टाइम के रिगार्डिंग कोई काम का कुछ भी अगर आए तो उसका तीनों का मैंने आपको क्या ना पीछे एक प्रोसीजर बताया था, आपने वो चीज़ देखा हो तो एक बार नहीं तो पीछे आप देख रहे हो जो मैंने तीनों समझाया। तो देखो सबसे पहले अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आता है तो हमारा एक सिंपल सा काम करना, देखो तीनों बोला क्या देर, अगर मान लो कि ये बोला जा रहा है एक साथ, तो हम लेते सपोज करते क्या पहले तीनों का एक दिन का निकाल लेते, ठीक है। तो तीनों का मान लो मैं एक दिन का निकाल तो कितना हो 1/12, ये हो गया 1/15, मतलब एक एक दिन का हम ऑलवेज पहले सभी हर एक बार में यही कोशिश करेंगे कि अगर हम एक दिन में कितना उन्हें वर्क किया वो हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे और फिर तीनों का टुगेदर कर देंगे। मान लो कि मैंने क्या, अगर मान लो दोनों तीनों को वर्किंग टुगेदर करते हैं, मान लो तीनों के तीनों क्या करते हैं साथ काम करते हैं, तीनों जब तीनों का अगर आएगा तो हम क्या करेंगे सिंपल सा लिखो 1/12 + 1/15 + 1/18, सिंपल सा है ये। और इसको आप सॉर्ट आउट करोगे सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने दिन में तीनों, कितने दिनों में जब वो तीनों मिल गए तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट हुआ। चलो मैं एक मिनट आपको बता ही देता हूँ, अगर मैं इस तीनों का एलसीएम ले लेता हूँ तो आप सोच के देखो कितना होगा, 180 ले लो एलसीएम तो आता ही होगा। ये अभी मैं ये एक दिन में बता रहा हूँ कि जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, ठीक है। तो एक दिन का मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये हो गया तुमको 28 by 180 सॉल्व कर दी, हो गया 14, ये हो गया 90, है ना। ये देखो 14/90, ये एक दिन में बताया जा रहा है। अब हमसे बोला गया कि तीनों मिल के कितने दिन में काम करेंगे, तो सबसे सिंपल सी जब ऐसा हो टाइम टेकन अगर हम लेंगे तीनों का, अगर यहाँ पे लेंगे टाइम टेकन तीनों का जो कितने दिन में उन्होंने वो काम को कंप्लीट किया, तो सिंपल सा क्या जो अपने पास आया हुआ है, जैसे मेरे पास क्या आया था 1/ अभी जीत कितना आया था 14/90, तो हम सीधा यहाँ पे लिख देंगे ये सही है ना 7 और 10, सॉरी ये 10 वही तो मैं कह रहा हूँ, सॉरी हो गया तुमको 37 by 180, है ना। अभी बस समझो, अगर आप टोटल टाइम टेकन पूछा जाए तो जितना हमारे पास एक दिन में लगा उसको हम क्या करेंगे, आपको मैंने इन्वर्सली बताया था, जो भी इन्वर्सली करेंगे अपने पास आ जाएगा। तो क्या हो गया 37/180, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 180/37, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आई थिंक 4 या 5, हाँ 4:2 जो भी हो 32/37, ये टोटल डे हो जाएगा। इसको इतने दिनों में क्या करेगा, ये तीनों काम कंप्लीट करेगा। देखो तो मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे पास रहे तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। यूपीएससी में सेम टू सेम या कोई भी स्टेट पी एस में अगर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है। सिंपल क्या होगा, ए और बी क्या क्या दोनों दे कैन वर्क टुगेदर एंड दे कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 12 डेज, है ना। और ए जब अकेले काम करता है कितना दिन लेता है 24 डेज लेता है, तो बी कितना, देखो सिंपल सा चीज़ है यहाँ पे एकदम सिंपल। तो देखो ए जब लिया कितने दिन लिया, ए और बी दोनों मिला के अगर हम बात करते तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब बोला जा रहा है ए और बी तो हम क्या किए ए प्लस बी, जब दोनों मिल के काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, देखो समझना इस चीज़ को, एक दिन में काम करेगा कितना 1/12 डेज 1/12। और ए अकेले काम करता है तो ए जब एक दिन में कितना पार्ट कंप्लीट करेगा, ये कितना हो गया 1/24, अभी मैंने पीछे बताया। अब बच क्या गया, दोनों एक साथ काम कर रहे तो 1/12, ए अकेले काम किया 1/24, तो अब हम क्या ले लेते हैं बी एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा, बी कैन कंप्लीट वर्क इन 1 डे, है ना। बहुत ही सिंपल, इसलिए मैं आपको एकदम कितना हो गया टोटल उसने काम किया उसमें से हम अगर बी को ए को माइनस कर दे अपने आप पता चल जाए कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 24 2-1, यही हुआ ना 2-1 मतलब हो गया 1/24। ये हमारे पास क्या हो गया, ए का क्या हो गया, सीधा से सिंपल है कि बी ने क्या किया एक दिन में इतना वर्क किया उसने, है ना। अब हमसे पूछा जाएगा कि अगर बी एलोन कितना दिन में वो कंप्लीट करेगा, अगर बोला जाए बी एलोन कैन कंप्लीट दैट वर्क तो कितना हो जाएगा, अब अभी मैंने बताया 1/ टोटल कितना एक दिन में हुआ, तो 1/24, अभी मैंने बताया 1/t लिखेंगे तो ये कितना होगा 24 डे में। एकदम सिंपल सा ये क्वेश्चन है, आपको इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। अगर इसमें कोई रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। ऐसा ही क्वेश्चन आपको यूपीएससी में भी पूछा जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन का आपको आंसर समझ आ गया, आंसर क्या था 24। बस आपको यही कंसेप्ट आपको बस समझना, ठीक है। कंसेप्ट अगर आपने एक बार क्लियर कर लिया तो आपको क्या क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। जैसे मैंने अभी पीछे के जो क्वेश्चंस आपको दो चीज दो समझाए, उससे पीछे जो मैंने कुछ टॉपिक्स आपको समझाए,
इससे ये बेनिफिट होगा जब आप क्वेश्चंस करने बैठोगे तो आपको क्या लगेगा कि हाँ ये चीज़ मैंने कहीं पे पढ़ा और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अब हम लोग क्या ना नेक्स्ट, जैसे मान लो कि हमारे पास एक ये टॉपिक है, अब हम इस टॉपिक पे चलते हैं। देखो ये टॉपिक में क्या बोला कि जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया कि लेट M1 एक मैन है जिसने क्या कहता है W1 वर्क कंप्लीट किया कितने दिन में, D1 में। फिर वो क्या कर रहा और वर्किंग जो बोला जा रहा है कि H1 आवर पर डे काम करता था वो, और उसका कमाई कितना होता था R1 होता था। सेम ऐसा ही बोला जा रहा है एक M2 मैन है, M2 मैन वो सेम प्रोसीजर कर रहा है, वर्क कर रहा है W2 कितने दिन में, D2 दिन में, और उसका वर्किंग आवर क्या है H2 है और अर्न करता है R2 है। तो अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो फिर अगर आपसे यहाँ पे कुछ पूछा जाए इसके रिगार्डिंग, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आए या कहीं बीच में क्या वेजेस नहीं रहे या कहीं पे आपको लगे कि यार अच्छा ये क्या दिया हुआ है, मतलब कहीं पे मैन का M1 ही ना दिया हो, कहीं पे W2 ही ना दिया हो, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना क्या है, M1 into D1 into H1 upon में W1 into R1 equal to M2 into D2, not B2, sorry, D2 into H2 upon में W2 into R2। जब आपके पास कोई भी बेसिक कोई क्वेश्चन ऐसा रहे तो आपको इसका ये फॉर्मूला आपको लगाना, और इससे क्या होगा आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ था, एक मिनट मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो मैं याद नहीं कर सकता ना, तो मैंने एक क्वेश्चन को रखा हुआ है। देखो बोला क्या जा रहा है कि इफ 18%, देखो समझना, बोला जा रहा है पर्सन कितना है 18, तो हम लोग यहाँ पे क्या मान सकते हैं, M1 मान सकते हैं। बोला जा रहा है इफ 18% कैन बिल्ड अ वॉल 140 मीटर लॉन्ग, ठीक है, इन 42 डेज। तो अब देखो 42 डेज मतलब कितना होगा, D1 हो गया, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है D1, मान के चल तो D1 दे दिया कितना 42 डेज। फिर बोला जा रहा है देन द नंबर ऑफ द डे दैट 30 मैन विल टेक ए कंप्लीट अ सिमिलर वॉल इन 100 मीटर लॉन्ग। अब एक चीज समझना, यहाँ पे मतलब ये दिया हुआ था P1 दिया हुआ था, यहाँ पर M1 दिया हुआ है, D1 दिया हुआ, और M2 भी दिया हुआ है। M2 क्या दिया हुआ है, M2 दिया हुआ है वहाँ पर 30%, ये तीन चीज़ आपको दिया हुआ, और आपसे पूछा जा रहा है D2 आपको क्या होगा। तो D2 मैं X मान लेता हूँ क्योंकि D1 तो आपको दिया हुआ 42 डेज दिया हुआ है, तो D2 मैंने X मान लिया। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है वर्क डन उसने कितना कंप्लीट किया, तो कितना था W1, W1 मैंने मान लिया क्या 140 मीटर रहते हैं, या W1 मान लिया, और W2 क्या मान लिया मैंने यहाँ पे 100 पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ से आप सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे, M1 into D1 into H1, H1 भी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपॉन में W1 into क्या है R1, R1 भी नहीं दिया हो कितना वेजेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर होगा M2 into D2 अपॉन में W2, सिंपल है। देखो ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, W1, W2 दिया हुआ, ये X दिया हुआ, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, X की वैल्यू फाइंड आउट करना। ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आपको इसी अनुसार से उसको कंक्लूड करना, यहाँ से आप X की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। सिमिलर यही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने बता दिया, देखो M1 दिया हुआ है, M2 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या W1 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया W2 दिया हुआ, यहाँ पे क्या D1 दिया हुआ है एंड D2 तुमको फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला से आप नहीं फाइंड आउट कर लोगे, तो ये आपके लिए क्या होगा, प्रैक्टिस आपके लिए क्वेश्चन हो गया जो आपको सॉल्व करना है। और आपको बताना है कि D1 या D2 जो भी है, D2 की वैल्यू कितनी होगी, तो D2 की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करके बताना है। अगर आपको कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ लेना, या मैं अगली बार कमेंट सेक्शन में या कहीं पे आप बोलोगे तो मैं उसको क्या करूँगा, उसका आंसर वहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक क्वेश्चन क्या बोला, इफ फाइव मैन, यहाँ पे ये क्वेश्चन एक दिया, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि पांच मैन या एट मैन, यहाँ पे देखो ये आपको पेपर में समझ, यहाँ पे और दिया हुआ है, एंड नहीं दिया हुआ है, या तो पांच मैन है या एट वुमेन है, समझना, ये दोनों में से कोई एक, या तो पांच मैन है या एट वुमेन है, ये क्या करता है आठ दिन में कोई काम को कंप्लीट करता है, ये जस्ट या दे जस्ट कंप्लीटेड देयर वर्क विद इन एट डेज, ओके। फिर बोला जा रहा है कि आठ मैन और पंद्रह वुमेन कैन टेक हाउ मेनी डेज टू कंप्लीट द डबल वर्क। अब एक चीज समझना, पांच मैन थे और आठ या आठ वुमेन, तो हम क्या करेंगे पहले यहाँ से, अगर मान लो पांच मैन थे तो हमको पता कि उसमें कितने एट वुमेन लग सकते, एट वुमेन लग रहे, तो अब हमें ये तो पता होना चाहिए एक मैन अगर रहेगा तो कितने वुमेन लगेंगे, कुछ सेम काम को वो कंप्लीट कर देगा विद इन अ टाइम लिमिट में, तो हमें पता है कितना होगा एट बाई फाइव, और फिर कितना, अब हमारे पास टोटल कितना मैन दिया हुआ, 15 मैन दिया हुआ, तो 15 मैन को कंप्लीट करने में कितना होगा, 8 अपॉन में 15 इंटू सॉरी 8 अपॉन में 5 इंटू 15, समझना यहाँ पे मैं इसलिए ये चीज़ कर रहा हूँ, तो ये कितना हो गया 3,
आंसर होगा आपको 24 वुमेन। देखो अब हमने क्या कर दिया, वुमेन्स को कंपेयर कर लिया कि कितना वुमेन्स और कितना मैन होना चाहिए। अगर मान लो अब यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन हो गया तो आपको पता चल गया 15 मैन यहाँ पे 15 मैन दिया हुआ और 8 वुमेन दिया हुआ, ठीक है। अब अगर हम 15 मैन और 8 वुमेन दिया हुआ तो हमको पता चल गया टोटल कितना हो गया 32, जोड़ दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो अब हमको पता, एक चीज़ बताओ हमें, या तो ये पता चल गया या तो देखो कितना सिंपल हो गया। अब हमें पता चला टोटल कितना है, यहाँ पे हम एक छोटा सा कंसेप्ट कितना है 8 वुमेन, समझना है 8 महिला है और कितना है एंड 15 मैन है। तो देखो 15 मैन का तो हमने देख लिया कितना वुमेन्स हो सकते हैं 24, तो हम क्या करेंगे दोनों मैंस को वुमेन्स को कॉमन कर देते कितना होगा 8 + 24, मतलब हमारे पास हो गया 32 वुमेन्स, है ना। अब आपके पास क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, आपको पता है कि अगर 5 महिला 8 महिला अगर हमारे पास काम करती है तो 8 महिला काम करती है 8 दिन में, एक महिला कितने दिन में काम करेगी 8 × 8, बिल्कुल सही है। और हमारे पास कितना 32 महिला है, 32 महिला में अब कितना हो जाएगा 8 × 8 / 32। देखो मैंने ये वाला पार्ट आपको पहले जब स्टार्टिंग किया था तो मैंने आपको तीन, जो मैंने बताया था कि तीन फॉर्मूले पर चलता है, वही तीन फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला यहाँ पे लगा, क्योंकि 8 महिला को काम करने में 8 दिन लगता है ऑटोमेटिकली, है ना, एक महिला को उतने काम को करने में ज़्यादा दिन लगेगा, तो यहाँ पे दोनों क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। तो अब 32 महिला, तो 32 महिला क्या हो गया ज़्यादा हो गया 32 महिला, तो अब हमको क्या करेंगे 8 या ये हो गया 4, ये हो गया 16, ये भी 4, ये हो गया 8, 4 × 8 2 × 2 = 2। लेकिन यहाँ पे क्या बोला डबल, हाउ मेनी डेज टू कंप्लीट द डबल वर्क, डबल वर्क मतलब क्या हो गया, अब हमारे पास जितना ये वर्क था कितना वर्क था 2 मान लो, तो 2 हमारे पास 2 डेज थे, तो हम क्या करेंगे डबल करना, तो 2 × 2 कितना हो गया टोटल हमारे पास हो जाएंगे 4 डेज। क्वेश्चन समझ आया, और क्वेश्चन ये यूपीएससी में पूछा गया, आप एक बार 2020 का क्वेश्चन पलट के देख लेना तो आपको ये दिख जाएगा, और उसमें बहुत ही माइन्यूट सा ये क्वेश्चन दिया हुआ था, आपको बस ये पढ़ना था यहाँ पे ऑड है और यहाँ पे एंड है बस। अगर ये आपने क्वेश्चन में पढ़ लिया तो आप क्या करो इस क्वेश्चन को बना शॉर्ट आउट करके ले जाओगे, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिया हुआ, आपको ये पता होना चाहिए क्या डिफरेंस दिया हुआ है। देखो अभी मेरे ये क्वेश्चन यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं अभी ये क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये और ये क्वेश्चन, इस दो क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं ये दो क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक इसका जो कंसेप्ट है वो जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूंगा उस कंसेप्ट के बाद मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन को लगाऊंगा, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि वो कंसेप्ट अगर मैं यहां पे बता दूंगा तो अभी क्या ना आपको और अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मतलब कोई सॉल्व करने में कोई इशू नहीं होगा, आप तुरंत इसको क्या करोगे सॉल्व कर सकते हो। तो ये दो क्वेश्चन को मैं अभी लास्ट जब नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा तो स्टार्ट यहीं से करूंगा इसके टॉपिक के साथ। उससे पहले अभी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मैं चाहता तो बाद में बताता, लेकिन मैंने इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन बताया। क्या बोला कि सपोज, ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा इसलिए इसमें थोड़ा सा और कंसेप्ट है, बोला सपोज अ कंपनी, कंपनी ए दे सप्लाई द 15 मैन हु वर्क फॉर 8 आवर पर डे फॉर 5 डेज। देखो अगर ऐसा बोला जाए तो हम मान लेते हैं कंपनी ए, ठीक है, कंपनी ए अगर मान लो मैं देता हूँ तो कंपनी ए कितना काम करती है, सबसे पहले हमें ये पता जो वर्क डन, आपको मैंने हमेशा बताया कंपनी ए का वर्क डन क्या हो गया कितना है 15 मैन है, 8 घंटे पर आवर पर डे काम करती है और कितने दिन काम कर रहा 5 दिन, तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास में मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं 15 × 8 = 120, 600, मतलब हमारे पास कंपनी ए का जो है ना यूनिट कितना, उसने कितना वर्क डन कंप्लीट किया 600 यूनिट कंप्लीट किया। इसी के अनुसार कंपनी बी भी होगा दिया हुआ यहाँ पे, कंपनी बी में बोला 6 मैन है, तो हम चेक करते हैं कंपनी बी कितना वर्क डन करता है, तो कंपनी बी कितना 6 मैन है, कितने दिन काम करता है 5 दिन पर डे काम, 5 आवर पर डे काम करता है और कितने दिन तक काम करता है 10 दिन तक, तो कंपनी बी कितना यूनिट कंप्लीट करता है पूरा वर्क डन कितना हो गया 300 यूनिट। आपको पता चल गया कंपनी ए कितना करता है कंपनी बी कितना करता है। अब बोला जा रहा है इफ टोटल 1200 पेज एज ए वेज, अब बोला जा रहा है दोनों का मिला के 1200 रुपये पे किया गया, सिंपल तो है, तो व्हाट इज द शेयर ऑफ ए वेज, तो सीधी सी बात है। देखो अब यहाँ से आप क्या करेंगे ए एंड बी में रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले, तो कितना हो गया 600 ratio 300 कैंसिल कर दो तो कितना हो गया 2:1, यही है ना 2:1, मतलब हमारे पास टोटल कितना काम कंप्लीट हुआ तीन पार्ट हो गया, टोटल 3 हो गया 2+1। तो अब हम कंपनी ए का शेयर देख लेते हैं, कंपनी ए का हम वेज का शेयर देख लेते हैं,
कंपनी ए का कितना पार्ट है, दो पार्ट है, कितने में से, तीन पार्ट में से, और कितना उसको वेज है टोटल 1200। अब यहाँ से देख लो, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये कटेगा तुमको 400, कितना हो गया 800। तो कंपनी ए को कितना वेज मिला 800, कंपनी बी को कितना वेज मिलेगा फिर 400। ये आपके लिए आपका आंसर पता चलेगा कंपनी बी। देखो ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी एक फॉर्मूला बताया उसके रिगार्डिंग यहाँ पे समझाया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को आपको यहाँ पे समझाया कि मैंने पीछे ऐसे इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया था। और इसी कारण वो जब दो क्वेश्चन मैं जब स्टार्ट करूँगा सेकेंड चैप्टर तो उसके टॉपिक के साथ मैं उसको स्टार्ट करूँगा, इससे क्या होगा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं हुआ होगा। अगर यहाँ तक आपको कोई सुना तो आपको, अगर आप लास्ट तक आए तो आपको जो हमारे चैनल पर जो भी ये लेक्चर सीरीज चल रहा है वो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्या करें, लाइक करें, शेयर करें एंड जरूर कमेंट जरूर कर दो, जिससे क्या ना मुझे पता चले कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ये एक इनिशिएटिव है जो मैंने लिया, मेरे लिए बेनिफिशियल, इसलिए मैं ये चीज़ लिया हूँ। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो ये सीरीज तो आप क्या करें, लाइक करें, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो, जिससे क्या हो सकता है आप आने वाले समय सोशियोलॉजी का पूरा एक ऑप्शनल यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखोगे पहली चीज़। दूसरा चीज़ आपको यहाँ पे प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, या प्रीलिम्स आप कोई सा भी दो या UPSC दो उसके रिगार्डिंग या कोई भी State PSC के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे पूरा एक टेस्ट सीरीज का पैकेज यहाँ पे मिलेगा, जिसमें आपको क्या है ना करेंट के साथ साथ पूरा उसका जो भी है पूरा तरीके से करेंट और प्लस जो क्वेश्चन का उसका पूरा एक पोस्टमार्टम वहाँ पर आपको मिलेगा। तीसरा आपको यहाँ पे क्या CSET का एक एक चीज़ आपको टॉपिक वाइज विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस जो प्रैक्टिस पेपर है वो और प्लस उसका टॉपिक का एक एक समरी अब यहाँ पे आपको समझ आएगा, जिससे पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को जितना ज़्यादा से लोगों के साथ हो सके शेयर करें, जिससे क्या हो सके यूट्यूब पर भी लगे कि यहाँ पर कुछ एक अच्छा प्रॉपर कंटेंट मिलता है। इसी के साथ हम अपना ये लेक्चर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।